नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सही गाड़ी चैनल पर एक बार फिर से। तो आज आप जैसा कि देख रहे हो हमारे पास KTM एडवेंचर 390 और इस गाड़ी के बारे में आज सब कुछ जानेंगे, पूरी गाड़ी को ओवरव्यू करेंगे और थोड़े बहुत जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिख रही होंगी इसके ऊपर उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरा आएगा सब्सक्राइब कॉल, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं इसके पावर और टॉर्क की बात करूंगा, तो इसका पावर पहले तो इसके इंजन की बात कर लेता हूं। एक फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है इसके अंदर जो कि 373 सीसी का है, बोलने के लिए 390 सीसी, बट हाँ हर एक गाड़ी का यही रहता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा हो जाता है। जो पावर है इसकी 43.5 पीएस की होती है 9000 आरपीएम पर। अब बोला इन्होंने 9000 आरपीएम है तो गाड़ी जाती भी बहुत ज्यादा तेज है, आपको मैं जब चलाता हूँ ना तो बताऊँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है 9000 आरपीएम तक, मतलब उतना जाता नहीं हूँ एकदम से, बट हाँ जा सकते हो और रीडिंग देखोगे तो लगभग 12000 आरपीएम तक आप जा सकते हो जो कि रेड लाइनिंग मानी जाती है। टॉर्क की बात करूँगा तो 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है 7000 आरपीएम पर ही, तो अच्छा खासा सा पिकअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो रही इंजन की बात, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो तो इतनी स्पीड से जब चलोगे तो आप लोगों को बहुत सारे ख्याल आते हैं यार सेफ्टी का क्या है। तो गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी लगी हुई हैं जो आपको सेफ भी रखेंगी, साथ ही साथ चलाने में मजा भी आएगा। पहले चलाने की बात करता हूं तो यहां पर एक बहुत ही कमाल की चीज गाड़ी के अंदर है, इसके अंदर ये चार बटने हैं जिनकी सहायता से आप ना क्विक शिफ्ट प्लस यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप आम गाड़ियों में जब गियर शिफ्ट करते हो, गियर चेंज करते हो, तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर सभी के लिए क्लच दबाते जाते हो और धीरे धीरे चेंज होते हैं, लेकिन क्विक शिफ्ट में क्योंकि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो कि ऑफ रोडर भी है, आप मेन रोड पर भी चला सकते हो, हाईवे पर भी ले जा सकते हो और सिटी के अंदर तो ड्राइव करना ही करना है, तो यहाँ पर एक क्विक शिफ्ट प्लस का ऑप्शन है कि आपको अगर फटाफट गियर शिफ्ट करने हैं तो आप इस हाथ को हटा भी सकते हो, उस फंक्शन को चालू कर दो और फटाफट फटाफट गियर शिफ्ट कर सकते हो। 6 गियर हैं, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्ट वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो लोग एक्चुअली ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, जो लोग बाइक ड्राइव करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए फीचर दिया है। जो नए हैं भाई तुमको थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। इसके बाद दोस्तों एक इसमें कमाल की चीज ये है, एबीएस है, आप सभी को पता है एबीएस क्या है, लेकिन इसमें उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो। मेरे दिमाग में भी वही ख्याल आया था आपके दिमाग में जो आ रहा है कि एबीएस बंद करके क्या ही फायदा होने वाला है, एबीएस तो अच्छी चीज है सेफ्टी के लिए। तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा जो हमारे इस गाड़ी के जो ऑनर है उनसे, तो उन्होंने यही बताया मुझे कि क्योंकि ये ऑफ रोडर है, जब आप इसको कच्चे रास्तों पर चलाते हो टर्न लेते समय जरूरी होता है कि आपकी गाड़ी स्किड करे तब वो टर्न ले पाएगी। तो वही चीज है, जब आपका एबीएस चालू रहेगा तो वो चीज नहीं हो पाएगी कि आप स्किड नहीं कर पाओगे और टर्न लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल या कहूँ नामुमकिन हो जाएगा। वैसे नामुमकिन तो नहीं क्योंकि आप स्पीड कम करके भी टर्न कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आप ये जो विंड ग्लास देख रहे हो इसका, इसको आप दो अलग अलग जगह पर सेट कर सकते हो आपके इस हाइट के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पर ज्यादा हवा आ रही है तो इसको ऊपर सरका लो। वैसे यहाँ पर बोल्ट दिया है तो इतना वो नहीं है इसका कि आप खुद ही यहाँ से कभी भी हिला लो, बोल्ट खोल करके नीचे जा करके आपको करना होगा। और काफी सारी एक्सेसरीज भी यहाँ पर लगाई हुई है जो इसके ओनर है, तो इनसे ही हम बात कर लेते हैं। तो स्वागत करता हूँ पार्थ जी का। तो पार्थ जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखो गाड़ी तो आपने ली और लगभग 6 से 8 महीने, मतलब अक्टूबर में ली हुई है तो 6 से 8 महीने होते आ रहे हैं, और मैंने रीडिंग देख करके पहले मैं चौंक गया क्योंकि इस तरीके की गाड़ी के आप बोल रहे हो। 2 महीने में आउट ऑफ टाउन था, मैं इंडिया में नहीं था, उसके बावजूद भी इस गाड़ी को आपने लगभग 6000 किलोमीटर चलाया है, तो कैसी जर्नी रही है वो बता दीजिए प्लीज। अद्भुत जर्नी रही है ऑनेस्टली, मैं कहूंगा कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना मजा करूंगा मोटरसाइकिल के साथ में। ये मोटरसाइकिल आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है अगर आप एक्सपर्ट हो या थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो ऑफ रोड जाने में। अगर आपको जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ रोड जाने में तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं बनी है। okay. क्योंकि ये आपको आपकी गलतियां माफ नहीं करेगी, आपने गलती की आप गिर जाओगे, सिंपल बात है। मैं इस पर 2 बार गिर चुका हूँ। ओके okay, इस गाड़ी के साथ स्क्रैचेस वगैरह मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है और क्योंकि मैं गिरना सीख चुका हूँ। ओके बात यह है कि मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। आप हाईवे पर बोलो 130-140 पे आराम से क्रूजिंग कर सकते हो, टर्न्स इतने मक्खन से आप बैठे हो मेरे साथ। हाँ, मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं इनके साथ पीछे बैठा था और जो इन्होंने टर्न लिया हम लोग ऑलमोस्ट 60-70 या उससे भी ऊपर थे, मैं 50 के आसपास थे, और इस तरीके से टर्न लिया है ना एक बार के लिए मेरी सांसें थम गई। बट रियर सीट पे बैठा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डर लगता है, बट गाड़ी का जो कंट्रोल है और ड्राइवर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो ये चला रहे थे भाई साहब, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। सो ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है, आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहो मोटरसाइकिल पे तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है।
बट सर मैंने आपको ही कहते हुए सुना है ये कि ये नौ सीक्यू के लिए नहीं है या फिर नए लोगों के लिए नहीं है, ये थोड़े एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब जैसे आपने NS 200 पे थोड़ी प्रैक्टिस करी है, ऐसी प्रैक्टिस वाले लोग आए, हिमालयन चला करके लोग आए, उसके बाद ये थोड़ी अच्छी रहेगी। तो मैं NS 200 पे सिखा नहीं हूँ, मैं एक्चुअली सिखा हूँ यसदी पे, मेरे पास में 1977 की एक यसदी भी है। ओके, तो उस पे सिखा हूँ मैं। आपने ट्राई प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की है? बहुत ज्यादा, ऑफ रोड बोलो टूरिंग बोलो, मैं उस पे ज्यादा चला चुका हूँ। ओके, तो जब भी इस पे आया तो वहाँ की सीख मैं इस पे चला चुका हूँ। तो मैं जो है 18 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, काफी अलग अलग सिचुएशंस में चला चुका हूँ। मैं लद्दाख जाके आ चुका हूँ मेरे यसदी पे। तो प्रॉब्लम उसका नहीं है कि आप कौन से मोटरसाइकिल पे क्या सीख रहे हो, वो सीख आप इस मोटरसाइकिल पे आप कैसे यूज कर सकते, कैसे अप्लाई कर रहे हो। मैं तो ये जानना चाहूंगा, गाड़ी के ऊपर काफी सारी चीजें आपने लगा रखी है, तो ये क्या क्या चीजें आपने एक्स्ट्रा लगवाई, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे पता है नकल गार्ड वगैरह तो गाड़ी के साथ आते हैं, बट आपने क्या क्या और ऐड किया है अपने तरफ से? मैंने काफी फंक्शनल चीजें ऐड की है अभी, और दो चीजें ऐड करनी बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक जो मुझे यूज करके पहले 1,500 किलोमीटर मैंने पूरा स्टॉक चलाया गया। उसके बाद में मेरे हिसाब से मुझे फिट होने के लिए मैंने कुछ चीजें लगवाई है। पहली चीज जो है मैंने एंगल राइजर्स लगाए हैं। एंगल राइजर से ये होता है कि हैंडल बार थोड़ा ऊंचा और थोड़ा पास आता है, उससे मेरा कंपोजिशन थोड़ा कंफर्ट होता है, थोड़ा वाइड होता है, मुझे कंट्रोल ज्यादा मिल जाता है। okay. दूसरी चीज मैंने ऑक्स लैंप्स लगाए हैं, क्योंकि बेसिक हेडलैम्प ठीक है, चल जाता है, लेकिन वो सामने वाले मुझे देखे इतने लायक है, मुझे सामने दिखे इतना लायक नहीं है। तो मैंने ऑक्स लैंप्स इसलिए लगाया क्योंकि मुझे और तेज अगर जाना है तो मुझे और दिखना चाहिए। ये जो है ऑक्स लैंप्स गिव्स मी मच वाइडर विजिबिलिटी एंड बेटर, प्लस मैंने इस पे येलो कैप्स लगाए, तो इस पे ये येलो फिल्टर की वजह से लाइट भी क्लियरली और ज्यादा दिखती है व्हाइट लाइट से। तो दैट इज वन। उसके अलावा मैंने ये सैडल स्टेज और टॉप रैक का ये प्लेट लगवाया, बिकॉज मैं सॉफ्ट लगेज लेके घूमता हूँ ज्यादा। मेरे खुद के 2-3 बैग्स जो मैंने बनवाए हैं, प्लस मैंने मार्केट से 2-3 बैग्स उठाए, तो जब भी मैं घूमता हूँ तो एज मिनिमम एज 10 लीटर्स का मैं लेके जाता हूँ, एज मैक्सिमम एज 75 लीटर्स में लेके घूम सकता हूँ, मतलब उतनी कैपेसिटी है मेरी। मुझे एक और क्वेश्चन आपके कहने से आया कि आप जैसे कह रहे हो मैं कभी मन में आया तो बहुत दिनों के लिए भी निकल जाऊंगा, तो गाड़ी का रेंज कितना आपको मिल जाता है? जैसे 14 लीटर का इसका ये टंकी है, टैंक है, तो आई मुझे एक फुल टैंक में कम से कम अगर मैं टूरिंग करूं तो मुझे 350 किलोमीटर मिल जाता है। अच्छा, 350 के आसपास मिल जाता है एक फुल टैंक में, और स्ट्रेच करूं तो मतलब अगर खींच के अगले पेट्रोल पंप करते करते मैं 350 तक खींच सकता हूँ। मैं नॉर्मली 250-300 किलोमीटर के आसपास में मैं फुल टैंक कर देता हूँ। अगर ऐसी गाड़ी है तो फिर वो खींचने वाला थोड़ा सीन गलत ही होता है, मतलब मेरे पले नहीं पड़ती, लोग करते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे इस चीज में मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहता कि कभी मैं कहीं ऐसे जगह में फंस जाऊं जहां पे मेरे पास पेट्रोल ना हो। आप इतना टूर करते हैं तो मुझे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये कि मैंने बहुत ज्यादा देखा है और मैं भी ये चीज कई हद तक मानता हूँ कि यार क्रूजर जरूरी होती है जब आप बहुत लॉन्ग टूर जा रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा आराम मिल जाता है उसमें। इस गाड़ी में क्या आपको उतना आराम मिलता है? क्या थकान नहीं होती? पूरी चीज होती है मोटरसाइकिल। मैं आपको ये पहले बता दूं, आपको सोना नहीं है गाड़ी चलाते चलाते, आपको सतर्क रहना है। राइट, तो आप कंफर्टेबल हो, आराम से मत रहो। सो ये एक चीज है कि मुझे इसमें काफी सपोर्ट मिल जाता है लेग्स को, मैं सीधा बैठ सकता हूँ, मैं सामान बांधता हूँ तो मेरी पीठ को भी सपोर्ट मिल जाती है, हाथ के लिए मैंने सपोर्ट, मुझे कंफर्ट मिले इसलिए मैंने थोड़ी ये रखा, ताकि मैं और लंबा खींच सकूं अपने आप। और मैं प्रैक्टिस करता हूं कि मैं एक दिन में 1,500-1,500 किलोमीटर कवर करूं। 1,500 किलोमीटर चल लेते हैं। मैं सुबह 4 से रात के 9 बजे तक मैं गाड़ी चलाता हूं, अगर चला बीच में 4 या 5 ब्रेक लेता हूं ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ पानी के लिए या फिर टॉयलेट के लिए, और कुछ नहीं, और पेट्रोल के लिए। तो मेरा पानी और पेट्रोल का ब्रेक एक ही साथ में हो जाता है। खाने के लिए जब भी मूड बना मैंने रोक दिया गाड़ी, एक एनर्जी बार खा लिया खत्म। आपने लगभग 4 लाख रुपए इस गाड़ी पर लगाए हैं, मतलब खर्च किए हैं, तो ये चीज अलग से क्यों लगानी पड़ी? इसके स्क्रीन में क्या टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट नहीं है और दुखती रख पे जो हाथ? तो मैंने एक्चुअली खरीदी थी KTM की माई नेविगेशन ऐप, राइट, 900 रुपए मैंने डाले थे एंड्रॉइड पे, मैंने वो खरीदी, इट इज अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए थे उन्होंने, मैप्स भी चलते थे, ऑफलाइन मैप्स थे, मतलब ये नहीं कि मुझे डेटा की भी जरूरत है। मैंने मेरा फोन रीसेट किया गलती से और उन्होंने मैप हटा दिया है प्ले स्टोर से, तो अब जो है मुझे जाके
मेरा गूगल मैप्स यूज करना पड़ता है तो फोन नेट कनेक्ट करके मतलब फोन यहाँ पे जबरदस्ती लगाना पड़ता है मुझे। और तो आप सभी के लिए भाई फोन रीसेट मत करना नहीं अगर आपने ऐप लिया हो तो रखो बहुत बढ़िया। और ये इसके ऊपर जो ये लगा रखे हैं आपने कुछ आपने चेंज किया है रैप या फिर ऐसा ही कुछ आया था? नहीं तो स्टॉक जो है आती है व्हाइट एंड ऑरेंज कलर। हाँ ज्यादातर हमने वही देखी है। नहीं दो ऑप्शंस थे पुराने में ब्लैक और ऑरेंज थी और व्हाइट और ऑरेंज थी राइट। ये जो है मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि दो चीज है आई मुझे मेरी गाड़ी यूनिक बहुत पसंद है आई लाइक इफ माय बाइक स्टैंड्स आउट। तो इस वजह से एक जब भी मुझे ऑफर मिला कि भाई मैं रैप करा के दे दूंगा और ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है तो मैंने डिजाइन देखा बोला हाँ कर दो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये है पारजी जिन्होंने गाड़ी ली है और काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ। तो अगर आपको भी लेनी है तो आप भी लो और चलाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ गाड़ी कैसी लगी आपको। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू सो मच पारजी। थैंक यू।